कोविड-19 के दृष्टिगत जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने निर्देश दिया कि शहर में आने वाले वाहनों की त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि कोई व्यक्ति या वाहन बिना जाँच के अपने गंतव्य तक पहुँचता है तो इसके लिए संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। डीएम ने कहा कि कोई भी एम्बुलेंस मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुमति जांच के उपरांत ही जनपद में प्रवेश करने पाए तथा कोविड-19 के मिले मरीज के दृष्टिगत सभी को और सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि हर पैदल आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जाए तथा हर बैरियर के पास क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए और जहां बाहर से आने वालों को क्वारंटाइन किया जाए तथा सेंटरों पर नोडल अधिकारी को भी नामित किया जाए और क्वारंटाइन सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों में भीड़ ना हो तथा लोग बैंकों के सामने धूप में ना खड़े हो। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी खाद्य सामग्री का वितरण ना किया जाए तथा जो भी राहत का वितरण हो रहा है जिला तहसील कम्युनिटी के किचन के माध्यम से ही किया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, सीएमओ डॉ. एसके तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट अनुभव रंजन श्रीवास्तव सहित अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, संख्या उन्होंने शेयर नहीं किया है, जो आएगा तो आपको शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा इंटरनल मूवमेंट ज़्यादा है, जो दूसरे जनपद में पढ़ने के लिए गया है, पूर्व में कॉलेज वो छुट्टी होकर आ रहे हैं, दो तीन जगह से वो आपको बता रहे थे, एक तो झांसी से आ रहे हैं, इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से आ रहे हैं, उसके अलावा भी कोई जनपद से आ सकते हैं। वैसे जो मैनपुरी से कुछ लोग आए उसी टाइप का सूचना मिलता है तो बता देंगे, जनपद का सूची दे रहे हैं, उसके बाद तहसील में कितने लोगों को वो हम लोग सेंटर वाले भी बता पाए, इसलिए तो वो बता रही है। आप एक एक किसी अधिकारी कर्मचारी को वहाँ दे देंगे ना, वो आपको छठवा करके सूची मेंटेन करेगा, फिर वहाँ क्वारंटाइन सेंटर भिजवा देंगे। वो ये क्रम तो शुरू हो गया, ये लगातार आएंगे तीन के बाद तो भारी मात्रा में आएंगे। आज तो सभी अधिकारी का एक मीटिंग था, खासतौर पे हम लोग और आगे कैसे उसका लॉकडाउन का लेके जाना है उसी के बारे में बहुत सारे पॉइंट में हम लोग चर्चा किए थे और इसका खासतौर पे हम लोग और मजबूती से और भी फिल्टर बढ़वा रहे हैं। पहले तो केवल जनपद का बाहर रोक था, अभी समय में तीन लेयर में हम लोग उसको फिल्टर करा रहे हैं। जो भी बाहर से व्यक्ति आता है, जो यदि एम्बुलेंस के जरिए से आता है, नहीं तो लेबर के रूप से आता है, किसी रूप से भी आता है, उनके पहले जनपद का बॉर्डर में ही तो रुका जाएगा, फिर उनका परीक्षण होगा, उसके बाद यदि तो सही है तो फिर अपने गांव का क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, यदि सही नहीं है तो फिर सीधे जिला अस्पताल नहीं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाकर इलाज कराएंगे। उसके बाद यदि तो जनपद के अंदर घुस गया, अपने तहसील में जाता है, तहसील का बॉर्डर में भी एक नाका लगाया गया, वहाँ भी फिल्टर होगा, वहाँ भी चेक कराया जाएगा, यदि आदमी सही है तो फिर आगे बढ़ने देगा। उसके बाद गाँव में भी एक हम लोग थर्ड लेवल का फिल्टर रखा है, वहाँ गांव लेवल का अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से फिर फिल्टर होगा, इनकेस वो वहाँ भी संदिग्ध लगता है तो सीधे फिर जिला अस्पताल आ जाएगा, नहीं तो फिर क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा। पहले एक ही लेवल का फिल्टर था, इस समय में हम लोग तीन लेवल का फिल्टर करा दिए ताकि कोई भी बाहर का इसी टाइप का मरीज है, कोविड का संदिग्ध है, ऐसे कोई व्यक्ति अनाधिकृत तौर से ना घुस सकें। जो भी आता है सीएमओ के जरिए से प्रॉपर जाँच होके, मेडिकल टीम से जाँच होके आ सकें, और जनपद से बाहर भी निकल रहा है उनको पूरा सीएमओ को जांच हो करके मेडिकल परीक्षण के बाद ही निकल सकें, उसी का हम लोग मजबूती से सिस्टम कराएं। और बाकी कहां कहां कोई डाउट है, कहीं कोई परेशानी है, उसको भी हम लोग सुबह मीटिंग में डिस्कस करके दूर किए थे। बाकी जो बाहर से जो कितने लेबर आएंगे गोरखपुर से, जो अभी तीन तारीख के बाद नहीं तो उसके पहले, उन लोगों को भी हम लोग कहाँ रखना है, उन लोग का खान पान का क्या व्यवस्था करना है, सभी का विस्तार का मीटिंग हुई थी और आगे भी हम लोग गोरखपुर का सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित करेंगे, उसी के दिशा में मीटिंग थी। सर क्या कहेंगे उन लोगों जो चले चले जाके घरों में छिपे हुए हैं, उन लोगों को कुछ करना चाहिए? देखिए, अब ये आपके भले के लिए शासन प्रशासन पूरा मेहनत कर रहे हैं। अब यदि तो आपका अंदर लगता है कोई लक्षण है, कोई इस समय में जुकाम सर्दी उसी टाइप का लगता है, थोड़ा अंदर कोई हो सकता है, नहीं तो आप ऐसे कुछ इलाका से गुजरे हैं, ऐसे कुछ इलाका से आए हैं, आपको आने की संभावना ज़्यादा है, कृपया करके प्रशासन को बता दें, सीएमओ को बता दें, आपको जांच करते वक्त आपको भी हम बचा सकते हैं और लोग को भी, आपका परिवार लोग और बाकी लोग को भी बचा सकते हैं। ये चोरी छुप करके आप रह रहे हैं, ये केवल आपको जीवन का हानि नहीं है, खतरनाक नहीं है, आपका परिवार को भी आप नुकसान पहुँचा रहे हैं और आपका
जनता को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको यदि लगता है कुछ अंदर आप कुछ परेशानी है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कृपया करके हमें बता दें, हम इलाज करके आपको बचाएंगे, आपको पूरा परिवार का ख्याल रखेंगे, हम लोग की जिम्मेदारी।